एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान किया। पवार ने कहा कि वे एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा के विमोचन पर यह ऐलान किया। उधर पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ता भावुक हो गए तथा धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद अजीत पवार कार्यकर्ताओं से मिले और उनसे अनुरोध किया कि सभी कार्यकर्ता घर लौटें एवं खाना खाएं। उन्होंने धरना खत्म करने का भी अनुरोध किया। अजीत पवार ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम सभी आज शरद पवार से मिले और उनसे कार्यकर्ताओं की मांगों पर विचार करने का आग्रह भी किया। अजीत ने कहा कि शरद पवार ने कहा है कि वे अपने इस्तीफे के फैसले पर विचार करने के लिए 2-3 दिन का समय लेंगे। 82 साल के मराठा क्षत्रप शरद पवार ने यह ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब पिछले दिनों हुई एनसीपी में फूट की खबरें सामने आई थी। खबरें थी कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ बीजेपी सरकार में शामिल हो सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।